इंडिया और चाइना का युद्ध में कौन जीतेगा, चलिए आज हम इसका कंपैरिजन करके देखते हैं। इंडिया और चाइना के बॉर्डर थल सेना में लगते हैं, इसलिए हम थल सेना और वायु सेना का कंपैरिजन करेंगे और नेवी को इस कंपैरिजन से दूर रखेंगे। देखिए, इंडिया के बॉर्डर पहाड़ी एरिया पे लगते हैं, तो पहाड़ी एरिया में जो चीज़ों का यूज मुश्किल है जैसे कि टैंक एक्सेट्रा, उनकी हम कंपैरिजन नहीं करते हैं। हम उन्हीं चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे जिसमें इंडिया और चाइना के युद्ध में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो इंडिया के पास एयरक्राफ्ट 2110 है, वहीं चाइना के पास 3210 एयरक्राफ्ट है। इंडिया का सबसे फेमस अटैक विमान सुखोई है, जो एक बार में 16 पॉइंट में पिन करके वार कर सकता है। वहीं चाइना के पास सबसे उन्नत अटैक विमान J-20 है, जो एक बार में 12 पॉइंट पिन कर सकता है। देखिए, पहाड़ी वाले एरिया में सबसे ज्यादा उपयोग होता है ट्रांसपोर्ट विमान का, जो इंडिया के पास ट्रांसपोर्ट विमान 250 है, वहीं चाइना के पास ट्रांसपोर्ट विमान केवल 224 है। अर्थात पहाड़ी वाले एरिया में भी इंडिया चाइना से ज्यादा जल्दी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और वहीं इंडिया के पास अटैक विमान 23 है, वहीं चाइना के पास अटैक विमान 281 है। इस मामले में चाइना आगे है, पर ज्योग्राफी कंडीशन को देखते हुए चाइना को अटैक विमान को इंडिया तक लाने में के लिए तिब्बत को पहाड़ों को पार करना पड़ेगा, जो चाइना के लिए एक डिसएडवांटेज है। देखिए, पहाड़ी वाले एरिया में सबसे ज्यादा काम तोप करती है, और तोप के मामले में इंडिया के पास 4060 तोप है, वहीं चाइना के पास केवल 3600 तोप है। अब बात करते हैं आर्मी की, तो इंडिया के पास 1400000 एक्टिव सोल्जर है, वहीं चाइना के पास 2100000 एक्टिव सोल्जर है। पर रिजर्व सैनिक में चाइना के पास केवल 500000 रिजर्व सैनिक है, वहीं इंडिया के पास 2100000 रिजर्व सैनिक है। आपको क्या लगता है, यदि इंडिया और चाइना की लद्दाख वाले एरिया या इंडिया के किसी भी बॉर्डर पर युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।